हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 के लिए आ गई है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है फाइनल डिसीजन नीट यूजी 2024 के एग्जाम पर, रिजल्ट पर। तो गाइस, स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गलत का जो है डिसीजन भी लिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। न्यूज़पेपर में आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल क्या बोला है नीट यूजी रिजल्ट के बारे में। क्या दोबारा से नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर काउंसलिंग का प्रोसेस अब आपका स्टार्ट हो रहा है? तो देख लेते हैं एक बार। तो गाइज, ये मैंने न्यूज़पेपर ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पहले रिजल्ट पर स्टे लगाने के लिए मना किया था, रिजल्ट अनाउंस हो गया, अब काउंसलिंग की भी बात हो रही है। गाइज, परीक्षा दोबारा कराने की याचिका पर एनटी और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। तो सबसे पहले देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के परिणाम के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नीट की विश्वसनीयता और पवित्रता प्रभावित हुई है, ऐसे में हमें जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह आदेश स्वांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की ओर से परिणाम घोषित होने से पहले 1 जून को दाखिल याचिका पर विचार करते हुए दिया। याचिका में बिहार और राजस्थान के परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने के आधार पर परीक्षा रद्द करने और विशेष जांच दल से जांच मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। काउंसलिंग पर रोक नहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्पा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि पीठ ने इसे इनकार कर दिया। जस्टिस नाथ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दे, हम फिलहाल रोक नहीं लगा रहे हैं। तो गैज, अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वही बात है, काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, स्टूडेंट्स के एडमिशन्स भी होंगे। तो ये काफ़ी लंबा मामला जाने वाला है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं होने वाला, स्टूडेंट्स के साथ फिर गलत होने वाला है। जवाब दाखिल करने से ज़्यादा समय नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए के वकील से कहा कि वह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वह सब पाक साफ है। पीठ ने कहा, आपको जवाब दाखिल करने के लिए कितना वक्त चाहिए, हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, अन्यथा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नीट पीजी 2022 के खिलाफ भी अर्जी खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट पीजी 2022 परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली अर्जी खारिज कर दी। याचिका में उत्तर कुंजी तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा, समय बीत जाने के कारण यह अर्जियाँ निरर्थक हो गई। तो गए, जब नीट पीजी 2022 का मामला 2024 के अंदर जो है निरर्थक बताया गया है, तो ऐसे ही अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है नीट यूजी 2024 की, तो ये भी आगे जाकर मामला निरर्थक हो जाएगा। तो गाइस, जितना हो उसके जहां जोर लगाना है अभी लगाना है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम रिजल्ट के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, रिजल्ट अनाउंस हो गया, अब बोला जा रहा है काउंसलिंग के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, काउंसलिंग भी अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा गलत होने वाला है। आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।